नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवी। नंगे पांव और धोती नुमा पारंपरिक कपड़े पहने ये हैं कर्नाटक की 72 साल की आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा। आज पूरी दुनिया इनका नाम आदर के साथ ले रही है। ऐसा इसलिए कि तुलसी गौड़ा को सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक समारोह के दौरान तुलसी गौड़ा को दिया। राष्ट्रपति से सम्मान मिलने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन है तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा को सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार पिछले 6 दशकों से पर्यावरण की सेवा करने के लिए दिया है। तुलसी गौड़ा कुछ 1-8 सालों से नहीं बल्कि वो 12 साल की उम्र से अपने यहाँ पेड़ पौधे लगा रही हैं। अब तक उन्होंने हजारों पेड़ लगाए और उनका ख्याल रखते हुए उन्हें बड़ा किया, जिसकी वजह से तुलसी गौड़ा को पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों की विविध प्रजातियों की विस्तृत जानकारी है। तुलसी गौड़ा कर्नाटक में हलक्की स्वदेशी जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। वो पारंपरिक पोशाक पहनती हैं। उनका परिवार इतना गरीब है कि वो पढ़ भी ना पाएं। उनके यहाँ जीविका चलाना भी मुश्किल भरा रहा। ऐसे में उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें आज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि वो एक अस्थायी स्वयंसेवक के रूप में भी वन विभाग में शामिल हुई, जहां उन्हें प्राकृतिक संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए जाना जाने लगा। बाद में उन्हें विभाग में स्थायी नौकरी की पेशकश की गई। तुलसी गौड़ा आज भी पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए पौधों का पोषण करती हैं और अपने विशाल ज्ञान को युवा पीढ़ी के साथ शेयर करती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।